मैं हूं हबीब इलाही। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, ये आज़ाद कश्मीर में धीरकोट है जी। मरी से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है और कोहाला पुल जो है वहां से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी ड्रोन से मैंने कुछ यहाँ के शॉट लिए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। जिस रेस्ट हाउस में मैं ये ठहरा हुआ हूँ, बहुत ही खूबसूरत है जी, बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है। इस तरह के और भी यहाँ पे इससे भी खूबसूरत रेस्ट हाउस हैं। यहाँ पर रेंट बहुत रीज़नेबल है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं या खुद दोस्तों के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, तो मरी तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पैक और रशी एरिया है। अगर आप ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ के बहुत ही सुकून हो, जगह भी अच्छी हो, लोग भी अच्छे हों, क्योंकि अब मरी में ये भी एक बहुत चीज़ अहम हो चुकी है कि लोग भी अच्छे हों। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और जगह बहुत बहुत ही सुकून वाली जगह है। तो यहाँ पे जो रेंट है यहाँ का, वो भी बहुत रीज़नेबल है। मरी में आप इस रेंट के ऊपर इतनी अच्छी जगह के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, सर्दी फील होती है। जैसे कि मेरे जो ड्रेसिंग से आप अंदाज़ा कर पा रहे होंगे, सर्दी है लेकिन बहुत ही खुशगवार यहाँ पे है जो मौसम है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और रेंट जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल है। बाकी सेल परचेज के हवाले से यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आज़ाद कश्मीर में सिर्फ जो मकामी जो आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, वो ही यहाँ पे प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। लेकिन आप 1 माह 1 साल 2 साल रेंट पे जितनी देर तक चाहें, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। मुकम्मल गेस्ट हाउस भी मिल जाता है और कुछ कमरे अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। जैसे यहाँ पे जो अगर आप कह लें कि 2-3 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये रेंट पे आपको अच्छा एक कमरा जो है यहाँ पे मिल जाता है। मज़ीद इंशाल्लाह ताला और आपको अपडेट देंगे, कुछ जगह और भी हम जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह मज़ीद प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी मालूमात या ताज़ा तरीन अपडेट के लिए फॉलो करते रहिए एडवाइस एसोसिएट का यूट्यूब चैनल।